बंधन साड़ी शोरूम, ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप, फैंसी साड़ियाँ, बॉयज वेयर, गर्ल्स वेयर, गारमेंट, टॉयस, एसेसरीज। पता: मकरोनिया चौराहा, पेंटालूस बेसमेंट, सागर। सवारियों से खचाखच भरी यात्री बस गुरुवार की तड़के सुबह अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आधा हिस्सा ट्रक में ही जा घुसा। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 5 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्ची शामिल है और 25 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से आधा दर्जन लोग गंभीर हालत में हैं। यह दिल दहला देने वाला हादसा रीवा जिले के सिंगरौली हाईवे के गुड़ बाईपास के पास हुआ है। बताया गया कि प्रधान ट्रेवल्स की यात्री बस जबलपुर से सीधी जा रही थी, जिसमें गुरुवार की सुबह करीब 6:15 बजे बस जैसे ही गुड़ कस्बे के बाईपास के पास पहुंची, तभी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। मौका पाते ही बस ड्राइवर वहां से भाग निकला। जानकारी मिलते ही तत्काल गुड़ थाने की पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। जेसीबी मशीन और क्रेन बुलवाकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बस को बाहर निकलवाकर घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। मैं यहां पर चाय पी रहा था ढाबे के पास, तो ट्रक खड़ा था लोडिंग वो सर्फ एक्सेल उसमें लगा था। रीवा तरफ से बस आई और उसे ट्रक में लगा ठोकर मारते हुए ले गई उधर। मैं इतना देखा हूँ, बाकी मैं लगा। कितने बजे की घटना? 5:33। इसमें किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं? ये ड्राइवर, बस वाले ड्राइवर की लापरवाही, ट्रक वाले की कोई गलती नहीं। ये सुबह 6 बजे के आसपास की घटना है। गुड़ रोड हमारे यहाँ एक गुड़ थाना है, वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था रोड के किनारे, और जो सड़क के जस्ट ऑपोजिट जो फैमिली एक रहती है उनके हिसाब से जो उनका वर्जन है, एक आवाज़ हुई है और संभवतः खड़ी हुई ट्रक ने ही बस हिट कर दी है, या तो कोहरे की वजह से या स्लीपीनेस की वजह से ड्राइवर के, जो भी कारण हो। और क्योंकि तेज गति में बस थी और एकदम से हिट किया है, तो पूरा लेफ्ट साइड बस का फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है बिल्कुल, और उसी की वजह से जो पैसेंजर्स बैठे थे वो भी गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए हैं। अभी 32 लोगों के आने का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गया है हॉस्पिटल में, और जिसमें से 9 लोगों की डेथ कंफर्म हो गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इंजर्ड हैं वो सब लोग प्रॉपरली उनको अटेंड किया जाए हॉस्पिटल में। सभी स्टाफ लगा हुआ है, पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। जो 9 लोगों की डेथ हुई है उनको आइडेंटिफिकेशन का भी प्रोसेस जारी है, पहचान हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि कोई ऐसा रिलेटिव लोग नहीं है। आप लोग से भी अपेक्षा करेंगे, मदद करेंगे, हम भी शीघ्र ही फोटोग्राफ वगैरह जारी करेंगे उनकी, तो सारे करके थोड़ा सा पता चल पाएगा। तो वैसे कार्रवाई आ गई। किसकी लापरवाही से पसंद दस्तक क्या आया, जो घटना का कारण क्या? देखिए, स्पॉट जो मैंने देखा है उसमें 2 ही संभावना समझ में आ रही है। एक तो या तो कोहरे की वजह से ड्राइवर देख नहीं पाया है, क्योंकि कोहरा है वहाँ पे, सुबह और भी कोहरा था, और या फिर दूसरी वजह ऑब्वियसली हमेशा रहती ही है एक्सीडेंट में कि ड्राइवर या तो झपक गया है, सो गया है, इस तरह की घटना हुई है। ये 2 कंडीशन हो सकती हैं और कोई ऐसा मेजर कारण नहीं है। बड़ी चौड़ी सड़क है, ओपन रोड है, कोई ऐसा और कोई इशू नहीं। कौन सी बस है, कहाँ से कहाँ जा रही है? देखिए, ये बस रीवा से सिंगरौली जा रही थी वेढ़न के लिए, और सीधी और सिंगरौली बॉन्ड पैसेंजर्स भी थे और कुछ रीवा के पैसेंजर्स। आज सुबह एक बड़ी भयानक जो है दुर्घटना हुई है और अत्यंत हृदय विदारक घटना है। जैसी खबर लगी तो पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर पहुँचे, एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचाई, और ये गाड़ी जो है जबलपुर से सीधी जा रही थी। अन बस सर्विस की बस है, वो रीवा के ही रहने वाले, उनकी कई बसें चलती हैं, और ये बस हादसा में जैसी बात हुई है घायलों से, उनका कहना है कि बहुत तेज गति से बस चल रही थी, जबलपुर से चली थी ये और सीधी तक जा रही थी, तो इसमें निश्चित रूप से, और ड्राइवर जो है कूद कर भाग गया है, तो ड्राइवर को हम लोग मात्र जो है एक्सीडेंट का आरोपी ना मानते हुए उस पर हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 की कार्रवाई करेंगे। एक तो वो है, और दूसरी बात है कि अगर उसके फिटनेस और बाकी चीज़ों में कमी है तो उस पर मालिक और उसका जो ऑनर है, फ्लीट का ऑनर है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे।
देखना ये है कि जो ट्रक सामने खड़ी है वो किस कारण से और कब से और क्यों खड़ी थी, क्योंकि वो भी एक घटना का कारण है। अगर उसकी मैं पोजीशन देख लेता हूँ कि कितने दूरी पे खड़ी थी, कितने नीचे कितने ऊपर खड़ी थी, अगर नहीं होगा तो हम ट्रक वाले पे भी कार्रवाई करेंगे। टोटल इसमें 32 लोग अस्पताल आए हैं, 32 लोगों में 9 लोग मृत हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। उसमें 2 लोगों की शिनाख्त नहीं हुई है, जैसा कमिश्नर साहब ने बताया है, बाकी की शिनाख्त हो गई है और सभी की डेड बॉडीज़ में जल्द PM करवाकर और उनके परिजनों को सौंप कर उनके घर तक हम लोग पहुँचाएँगे और उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका ध्यान रखेंगे। सुधीर जैन, सागर TV न्यूज। बंधन साड़ी शोरूम एंड जैक एंड जिल किड्स वेयर शोरूम, शहर का एकमात्र विश्वसनीय शोरूम। ब्राइडल लहंगा, साइड लहंगा, क्रॉप टॉप, कुर्ती, सूट पीस, गाउन, दुपट्टा, पैंट टॉप, वेस्टर्न वेयर, साड़ियों की अनुपम श्रृंखला, किड्स वेयर, बॉयज वेयर, कोट शूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, डेनिम गर्ल्स वेयर, लहंगा, क्रॉप टॉप, गाउन टॉप, डेनिम मिडी। शादी हो या सगाई या कोई अन्य कार्यक्रम, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मकरोनिया चौराहा, पेंटालून्स बेसमेंट, सागर, ब्रांच 2, कैंट शॉपिंग मॉल, शॉप नंबर 45, सिविल लाइन, सागर।